गायल हस्बैंड ने कोई अगर रस्ते की कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। Hi everybody, you must subscribe to my channel, hit the bell, thumbs up, and enjoy the video. I am almost 7 and I got a video too. Want to see? Oh, that's very important information. Guys, actually, मैंने कल हिम्मत की आंखों में काजल लगाया था, इसलिए वो थोड़ा अजीब लग रहा है. But I like it. You're looking handsome. Thanks, okay, you want to say anything else? What happened to this? Why is it so real here? हेलो एवरीबॉडी, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं. आज मैं करने वाली हूँ व्लॉग. एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग करूँ, और आज मैं वो चैलेंज शुरू करने वाली हूँ व्लॉग करने का. मुझे पता नहीं कि आज मैं क्या करूँगी, जो भी मैं करूँगी उससे मैं व्लॉग करने वाली हूँ. आज मैंने वीडियो शूट की है कॉस्को से लाने वाली 10 चीज़ें से ज़्यादा बता दिए मुझे लगता है. उसको मैंने अभी शूट करके फिनिश किया है, उससे मैं एडिट करूँगी आज जैसे दिन बढ़ेगा शाम के करीब. कॉस्को में जाके शूट कर लिया था मैंने बहुत समय पहले, पर ये जो बोलने वाला पार्ट था या मेरी इंट्रो आउट्रो शूट करनी थी उसको बहुत ज़्यादा समय लग गया, पर आज मैंने उसको फिनिश कर लिया है. अब हिम्मत का स्कूल चल रहा है. हिम्मत का स्कूल रह गया है आधे घंटे का. मौसम भी नॉट सो बैड है, वैसे सनी नहीं है पर ठंड कम है. तो मैं सोच रही थी कि मैं आज जाऊँ थ्रिफ्ट स्टोर, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ड्रेसेस पे सेल लगी है, स्प्रिंग एंड समर की ड्रेसेस पे 40% थ्रिफ्ट स्टोर है, वैसे ही प्राइस अच्छे होते हैं और ऊपर से 40% मिले तो आपको जाना चाहिए. और वो प्राइवेट सेल है सिर्फ मेंबर्स के लिए. तो मुझे ईमेल आई है जो 21 तक मेंबर्स के लिए, उसके बाद फिर पब्लिक के लिए हो जाएगी. सो बिकॉज मेंबर्स के लिए जब होती है तो फिर ज़्यादा आइटम्स होती हैं सिलेक्टिव, क्योंकि आपके पास कोड है, अदरवाइज़ फिर चीज़ें चंगी चल जाती हैं. और बिकॉज ये कोरोना का समय रहा है तो बहुत सारे लोगों ने चीज़ें तो डोनेट की हैं पर स्टोर्स को विज़िट नहीं किया है. लास्ट टाइम जब मैं गई थी थ्रिफ्ट स्टोर तो इतना ज़्यादा सामान था वहाँ पर, इतना ज़्यादा सामान कि आप अगर ढूंढें तो आपको ट्रेजर मिल जाएगा. पर मेरे पास इतना समय नहीं था तो मैंने ज़्यादा समय स्पेंड नहीं किया. अब मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ और घंटों स्पेंड करूँ और घर की चीज़ें डेकोरेशन ढूंढ के लाऊँ, कोई फैब्रिक ढूंढ के लाऊँ या ड्रेसेस ढूंढ के लाऊँ और कुछ क्रिएटिव करूँ उसके साथ. ये प्लान जो था मेरा ब्यूटीफुल सा अकेले समय स्पेंड करने का, मैंने मेरे पति को बता दिया. और पति भी अपनी लत फंसा के बह गया कि मैं भी चलूँगा. सो अभी उनको भी लेके जाना पड़ेगा, क्या करेंगे. सो या लेके जाएंगे उनको भी. सो अगर उनको लेके जाएंगे तो हिम्मत भी जाएगा. सो हिम्मत के स्कूल फिनिश होने की वेट करूँगी मैं. जैसे उसका स्कूल फिनिश होता है हम लोग जा रहे हैं थ्रिफ्ट स्टोर की जर्नी पे. अगर मैं इनको स्टोर के अंदर ले जाऊँ ना तो ये मेरी जान खा जाते हैं कि जल्दी कर चल चल चल, इसलिए मैं इनको लेके जाना चाहती नहीं हूँ. पर अब ये फंस गए हैं मेरे साथ तो ले जाऊँगी, पर इनको मैं कहूँगी कि मैनू छेड़ो ना और मैनू डिस्टर्ब ना करो, जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने देना. तो जब तक हिम्मत का स्कूल फिनिश होता है तब तक मैं क्या करूँगी, चाय पानी पी लेती हूँ, कॉफ़ी पी लेती हूँ. सो लेट्स डू दैट, लेट्स गो गाइस. और अगर आप जानना चाहते हैं ये ड्रेस कहाँ से ली है मैंने, तो ये मैंने ली थी एच एन एम से ली थी मैंने ब्लैक फ्राइडे पे या किसी दिन. मैंने आपको हॉल में दिखाई भी थी, कितनी प्यारी है ना. एंड मैं बहुत सारा फैब्रिक इकट्ठा करके बैग ली हूँ दोबारा, क्योंकि मैं बहुत सारी ड्रेसेस डिज़ाइन करने वाली हूँ, समर या स्प्रिंग वाली, पंजाबी सूट एंड इंडियन सूट भी करने वाली हूँ. पर पहले अब मैं ड्रेसेस करूँगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं व्लॉग करूँ एवरी डे. सो आपको बीच में दिखाती रहूँगी, पर फिनिश प्रोडक्ट एंड पूरी वीडियो अलग से दिखाऊंगी मैं आपको लेटर. सो जब मैं सिलते हुए आपको दिखूंगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं दिखेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो दिखा दूँगी तो फिर एंड वाली वीडियो का मज़ा नहीं आएगा आपको. सो हम व्लॉग करेंगे पर छुपते छुपाते हुए. सो या पर मैं सोच रही थी कि जो भी मैंने फैब्रिक इकट्ठा किया है इस समय में जब मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, अगर आप उसको देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं फैब्रिक की हॉल कर दूंगी. क्योंकि जो दोस्त सिलाने का शौक रखते हैं उनको वो फैब्रिक को देख के मज़ा आएगा शायद, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी डील्स ढूंढी हैं, लाइक रियली गुड प्राइस एंड आउटफिट bomb.com बनेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक खरीदा है मैंने. सो या ये है फैब्रिक के बारे जानकारी. अब नीचे चलते हैं हम लोग. ऐसा मैगी आया, हिम्मत को मैगी अच्छी लगती है पर उसे मिलती बहुत कम है. और तो 2-3 हफ्ते बाद उन्होंने मैगी मिलने लगी तो हस्बैंड ने इसमें देसी घ्यो डाल दिया. तो बेचारा कहना बनाने डैडी ने की किया अपने मसाले ऐड कर दिया, खाती नहीं.
समझ में नहीं आ रहा कॉफ़ी पीऊँ या चाय। हस्बैंड को तैयार होने के लिए भेज दिया है मैंने। मैं कह के जे तैयार हो गए 10-15 मिनट अच्छे तो ला जाना, नहीं तो मैं चल जाना यार। कॉफ़ी पीने भी नहीं जरूर करना। एक्चुअली मैं 1-2 चम्मच हिम्मत की मैगी दिखा दे, सच्ची नहीं बदिया। ऑलराइट दोस्तों, तो हस्बैंड जबरदस्ती फ्रेंड बन गया मेरे बाहर जाने लिए। गाइस हस्बैंड ने कोई अद्धे रास्ते से कैलकुलेशन करनी शुरू कर दिया। मैंने डैडी ना थोड़ी तेरा कंपटीशन ना कोई। यू गाइस आर कंपटीशन। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई वांट डैडी टू लूज। क्यों? आई वांट टू विन। मैं तेरा जेड़े इंस्टाग्राम दा नाम चेंज करके अपना ना रख लेना। एंड आई एम गोना गेट ऑल योर्स टू माइन। I'm gonna change your name to my name. Is my lipstick line nobody like gonna know. The ladai che. Nobody but, gonna know. But the camera just on you. The camera look. Kya teri video banani hai? Everybody's listening. Nobody gonna know. They are listening right nobody's now. Nobody's listening. They are just very young. Mommy, don't put this on YouTube. Nobody gonna know. Then nobody. I'm gonna do that. Kitta question na. ऑलराइट दोस्तों, तो इन दोनों की ऑनगोइंग वॉर चल रही है कि किसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। और आप लोग हैं इन दोनों के धर्मात्मा कर्मात्मा, देख लो किसको जिताना है। जिन्हों आप ज्यादा प्यार करते हो उन्होंने जिता लो। कहता वन टाइम जीत गया फिर भावे किसी के 100 के हो जाए, पर कहता एक बार कहता मैं ही जीत गया। ऑलमोस्ट 700। जिदा कोको उदा ने कोको दे बच्चे। मम्मी कैन यू पुट माई क्यूट पिक्चर सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर फॉलोअर्स। हू इज अ क्यूटर? नो इनकी नॉर्मल जिंदगी की बहस से आपने देख ही लिया है कि क्या चल रहा है। और दोस्तों, हम आपके करके तुरे फिरते हैं, हमारे एनका तभी फपतियां हैं जब आप लोग लाइक करते हो। तू ही देदा बोलन दे जे हमें ओन दा हिट दारा सिंह। हम ऐसे नहीं करेंगे, बड़ा मजा आया, बढ़िया है, बढ़िया है। ओके गाइस, थोड़ा गाना पानी लाने हैं, दोनों जाने चुप कराइए। नो, आई डोंट वांट गाना। तू किस याद रखो। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं और मैं सोच रही हूं पति हिम्मत ने मैकडॉनल्ड्स खाने की फरमाइश की थी, गई पता नहीं पति मन गए या नहीं। पति तो जूम कर रहे हैं। डैडी मीमी कहना मैकडॉनल्ड्स खाना। डैडी
तू आ खड़ा मास्क पाके बैठ के ए नहीं पढ़ना लाउड मान नो 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 दूजा पा आने तेरे मैं पानी है आवे की दोनों आने चंगे मेरे नाल आए आप ही तो गाइस आई फाउंड अप्सरा बेचारी की करन दी इथे सुंदरी हिंदुस्तानी सुंदरी इंद्र लोक च नचन वाली गाय पट्टी मेरे सुंदरी वेखन दे व्याहना करा ली व्यारी कि आ आ छड़न वाली आ ऑलराइट दोस्तों अगर आप सिलना सीखना चाहते हैं या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो बेडिंग वन कंफर्टर्स वाला एरिया है यहाँ पे आपको कई बार फैब्रिक भी मिल जाता है जैसे ये देखें ये किसी सूट का फैब्रिक है रंग भी नॉट बैड है मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इसे लेना चाहूँ कुछ करने के लिए तो ड्रेस या कुछ भी सिर्फ $3 का है ढाई मीटर कपड़ा तो इस तरह आप खरीद सकते हैं एंड नो दोनों वंडर करते फिर इधर उधर लुक अभी एक कपड़ा गाइस दिस इज फैब्रिक टू लाइक मोटा फैब्रिक ऐसे ड्रेस बन सकती है अच्छी हाँ किसी ने सूट ही करता है थे डोनेट ग्रीन थ्रिफ्ट स्टोर से वापस आ चुके हैं और हिम्मत की फरमाइश आ जाती है जब भी हम थ्रिफ्ट स्टोर आते हैं मैकडॉनल्ड्स का वो बिल्कुल सामने है और मैं भी सोच दिया चाय कॉफी मैं भी पी लूंगी क्योंकि मैं करूँ पी के नहीं आई एंड हस्बैंड सारा शेयर कर लूंगे एंड फैब्रिक भी आज काफी सारा फैब्रिक था वहां पे अगर आप लेना चाहें तो मैंने आपको दिखाया सो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं सिलने का या सिलना सीखना चाहते हैं तो ऐसे अफोर्डेबल फैब्रिक पे सीखें देन आप महंगे पे इन्वेस्ट करें मैं तो टेंशन नहीं लेती हूँ मैं कट वट कर देती हूँ मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी मुझे कि तू बहुत ज्यादा हुआ कॉन्फिडेंट कटन चे मैं सोचती हूँ कि करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे एक बार काट दो बाद चो आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गए क्योंकि कटिंग करना काफी औखा काम है ना बंदा टेंशन लेना रहता कि हो गया गलत हो गया था की करेंगे पर जब करोगे ही नहीं तो फिर होएगा कितना सो अगर आप समन है जिसको ऐसा डर लगता है तो आप ऐसी प्लेसेस पे फैब्रिक ले लें क्योंकि सस्ता मिलता है और स्पेशली अगर ऑफ हो कोई क्योंकि सस्ता तो है ही और अगर अलग से ऑफ मिल जाए 30-40% तो फिर जिदा मर्जी कटो वो राइट गाइस जब इस कहो ना कुछ बोलने तो आई बोलना मिमी और नॉर्मल गल्ला वे बोल दे कोई सब्सक्राइब कर दे लेना और एक दोस्तों हमने हमारा मैकडॉनल्ड्स से ऑर्डर कर दिया है एंड हस्बैंड पीने वाले हैं कॉफी हिम्मत खाएगा हैप्पी मील और मैं खाने वाली हूँ पिद्दी जूनियर आज दोस्तों मैंने आपको अर्लियर दिखाया हस्बैंड ने मैगी बनाई पर मिम्मी के लिए देसी घ्यो ठोकता है चक देसी घ्यो मैगी में कल्चर बात ये नहीं हम लोग वैसे मैगी में देसी घी डाल के खाया करते थे पर हिम्मत रोनी वधिया लगी मुझे लगा कि हिम्मत को पता नहीं चलेगा पर उन्होंने पता चल गया उन्हें छोड़ना पर हाँ मैं नहीं खानी वो दो बंदे आ गए और ऑर्डर लगा हाय नो प्रॉब्लम हाँ या चीज़ हैव अ गुड वन केक केक तो साइज़ है यार डेट मीडियम फ्राइज फ्री मिल रही थी तो हम दोनों ने चलाकी की हम दोनों ने ना अपने अपने फोन से ऑर्डर कर दिया पर उन्होंने सानू फ्राइज दितिया ही नहीं अहीं दोनों लभदे रह गए जूनियर चिकन अज अस पति ना शेयर नहीं करांगे
Mama, could you give me my drink? Okay. I'm preparing my two flights. Gonna have my donut then. Then I finish my chicken again. Okay, दोस्तों खाने के बाद मिलते हैं. Okay, bye. मोटे हो मगर इकट्ठे पतले रंग इकट्ठे प्यारी है. मैं समझी कि मैं अपनी आखिरी बाइट तेन दी हां मेरी ना बाइट फॉर माय डोनट. मैं चाहनी है तो पतली ना हो जी. बाइट फॉर माय ब्यूटीफुल डोनट. मेरे फॉर माय ब्यूटीफुल डोनट. माय डैड फॉर 1 बिलियन डेज. सारिया की पेट पूजा हो गई है. जब मैं अंदर गई थी उनसे पूछने के लिए तो डैडी ने हिम्मत का डोनट खा लिया एक टुकड़ी एक बाइट. उस हिम्मत पूछन दिया डैडी से कि क्यों खाया क्यों खाया क्यों खाया और डैडी के पास कोई जवाब नहीं है दोस्तों. वो क्यों खाता तो दस नहीं रहे. पेशेंस ना क्यों बैठा अपनी फ्राइज ली करना. डैडी सेड कि मैं ना किंग हाँ मैं कुछ भी कर सकता. तो कहता ही कौन है देन हु वी आर पुअर पीपल द हेल्पर्स. कहता ही हेल्पर है तेरे पुअर हेल्पर्स. और दोस्तों तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं हिम्मत एंड हस्बैंड को घर पे छोड़ के क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं मेरे साथ. मैंने सोचा मैं अकेले जाती हूँ. ये जो थ्रिफ्ट स्टोर है मेरे घर के काफ़ी पास है पर बहुत ज़्यादा छोटा है. पर फिर भी कई बार अच्छी चीज़ें आपको ऐसे फिड्डी सी जगह में मिल जाती है. मुझे कुछ खास तो चाहिए नहीं पर आज बहुत दिन के बाद बाहर जाके थ्रिफ्टिंग करने का मन था तो वही करने वाली हूँ मैं. सो थ्रिफ्ट स्टोर से अदर थ्रिफ्ट स्टोर में बहुत ज़्यादा अच्छी डील्स नहीं थी पर मुझे तीन चार ड्रेसेस मिली. और इस थ्रिफ्ट स्टोर में मैं ऐसे टाइम पास करने के लिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं खुल के चीज़ें नहीं कर पाई हूँ हिम्मत एंड हस्बैंड की वजह से. सो यहाँ पे फुल स्लीव चीज़ों पे 50% ऑफ था. मुझे नहीं पता था पर मुझे कितने सारे अच्छे पीसेस मिले जो कि नए टैग्स के साथ थे और वो मैंने ले लिया. और डेनिम की एक ड्रेस, मुझे डेनिम की ड्रेसेस मिलती हैं बाजार से बहुत आसानी से पर जैसा साइज मैं पहनती हूँ घुटनों के नीचे वैसा नहीं मिलता है. सो यहाँ पे मुझे डेनिम की ड्रेसेस भी मिली कितनी सारी और डेनिम की जीन नॉट जीन स्कर्ट्स भी जो मुझे अच्छी लगी है मैं आपको जरूर से दिखाना चाहूंगी. मैं आपको पहन के दिखाऊंगी पर आज नहीं क्योंकि आई एम स्केयर्ड कि ये मेरे कपड़े कंटेमिनेट हो गए. इनको धो के दिखाऊंगी. अब मुझे लगता है कि मैंने खरीदे हैं 7-8 पीसेस. ये 7-8 पीसेस आए हैं $43 में. सो बहुत ज्यादा अच्छी डील मारी है मैंने यहाँ पे. अब मुझे लगता है कि आज का कोटा पूरा हो गया है. वो एक्चुअली मुझे शॉपर्स ड्रग मार्ट जाना है क्योंकि शॉपर्स में मेरा फेवरेट फाउंडेशन आ चुका है. सो वी हैव टू गो देयर. ये जो गाड़ी का चार्जर है ना इससे फोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है. मैं लगा के अंदर गई थी अब आई हूँ ऑलमोस्ट फुल होने वाला है. शॉपर्स ड्रग मार्ट पे आ गया हूँ. मास्क पहनना चित्त खुल गया गाइस. और ये मीमी का मास्क, मीमी का मास्क लग रहा है. इट्स ओके लेट्स गो. यू गाइस डिडंट गेट द न्यू फाउंडेशंस येट? नो नो नो. Thank you, dear. You dare, sweet delectable. Okay, yahan par nahi aaya foundation. Main sunscreen dekh leti hu. Mujhe sunscreen chahiye. Actually, main Shiseido ka hi khareedna chahti hu par Shiseido ki problem hai ki wo Sephora mein milega. Sunscreen change karna bhi bahut bada risk hai. Kya wo risk main utha sakti hu? Nahi, bilkul nahi. So, nahi lande kuch bhi, chal de kar. एक्चुअली जो शॉपर्स बिल्कुल मेरे घर के पास है वहाँ पे था पिछली बार पर सोल्ड आउट था. सो उतने वेख लेने शायद आ चुका हो. अरे बहुत ज़्यादा टाइट है मास्क मेरे क्योंकि मैंने यहाँ से बांध के रखा है हिम्मत के लिए. सो यार तो पहला दुनिया सोचे कि मेरे दिमाग से कोई नुस्खा नुस्खा नुकसा असी चल दिया तो लेट्स गो गाइस.
गाइस अगर जानना चाहते हैं कि मैंने मेरी इयररिंग्स कौन से पहने हैं तो जो फ्रेश के हैं ये शॉपर से लिए थे मैंने। ओके अपना मास्क लगाना भूल गई थी मैं, बाल बहुत बुरी तरह ऑयली हो गया। आई थिंक आई एम गोना गो होम नाउ बिकॉज मुझे घर जाके मेरी कॉस्को वाली वीडियो भी एडिट करनी शुरू करनी है और जो मेरे घर के बिल्कुल पास शॉपर से वहाँ पे नहीं मैं जाने वाली हूँ। अब मैं जाऊँगी घर और आई जेड़ा नया सैनिटाइजर जो सॉम फर की स्मेल आती थी यार। इंडियन ग्रोसरी जाना मैं व्हाट इज दिस That mean the person died? Congratulations, sweetie. You were VIP today. चलो कोई बात करना ना, चाय पानी बनाएगा। चलो बाबू ना। Alright, दोस्तों तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने ली है ये बुक गैरी जुकव की सोल टू सोल। ये बहुत अच्छे राइटर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इनकी मैंने एक बुक पढ़ के रखी है। सो जब भी आपको बुक्स में थ्रिफ्ट स्टोर में खास करके अपने फेवरेट राइटर की किताब मिले तो जल्दी से उठा लें क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर तो टिकती नहीं है किताबें। और जब मैं बुक देख रही थी तो एक और दोस्त आ गई वहाँ पे, दोस्त नहीं एक नॉर्मल लेडी आ गई, वो किताबें ढूंढ रही थी। वो कह रही कि मुझे लगता है कि हम दोनों सेम ही बुक्स में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा कि तेरा फेवरेट राइटर कौन सा है मुझे बताओ। कहने की मैनू पता नहीं, अभी मैंने सिर्फ जर्नी शुरू की है बुक्स की और मैं स्पिरिचुअलिटी वाली बुक्स पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने उससे 3-4 बुक्स ढूंढ के दे दी जो मैंने ऑलरेडी पढ़ के रखी थी और वहाँ पे वो अवेलेबल थी और वो बहुत खुश होगी और कह रही कि मैं पढ़ूंगी। सो मैंने उसको गैरी जुकव की द सीट ऑफ सोल ढूंढ के दी एंड एक आर्ट टोल की पावर ऑफ नाउ भी पढ़ी थी वहाँ पे। तो यार ये बुक लेके आई हूँ मैं, ये बुक्स की स्टोरी लिटिल बिट। एंड देन मैंने आपको दिखाया था कि आपको वहाँ से फैब्रिक भी मिल सकता है, तो मुझे ये फैब्रिक मिला है जो कि शिफॉन जैसा है, बहुत पतला। इसको लेके मैं ड्रेस बना सकती हूँ। एक्चुअली ये अराउंड 2.5 meter है, 2.5 meter में ड्रेस बनी जाती है और इतनी ज़्यादा फ्लोरल एंड खुली खुली नहीं बनेगी बट बन सकती है। सो $3 में आया है ये सिर्फ। इसका रंग मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद मुझ पर अच्छा लगे एंड डिफरेंट है अगर मैं इसका कुछ सिलूंगी तो। कुछ दिन पहले मैं एक फैब्रिक लेके आई हूँ फैब्रिक लैंड से ऑर्गेन्जा जो इसके साथ काफ़ी मैच करता है। सो इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैं या तो इंडियन आउटफिट बना सकती हूँ, एक मेरे दिमाग में आइडिया है बनाने का, या फिर मैं ड्रेस बना सकती हूँ इन दोनों को मिक्स करके। सो यू नो मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं कोई प्लान करती हूँ ना, मैनू इधरों फैब्रिक मिल जाते हैं और फिर उन्होंने जोड़ के हम चीज़ें बना देते हैं। सो जब भी मैं आपके साथ कोई आउटफिट शेयर करती हूँ मेरे वीडियो में तो आप कहते हैं कि ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, फिर मुझसे बताया नहीं जाता है क्योंकि कोई चीज़ मुझे कहाँ से मिली थी और दूसरी कोई चीज़ कहाँ से मिल गई और वो दोनों को मैंने मैच कर लिया, फिर वो आपको सिमिलर नहीं मिलेगी। ऐसे ही और भी फ्यूचर में काफी सारे मेरे आउटफिट आने वाले हैं जो कि मेनू कुछ आज मिला है, कुछ मुझे साल पहले मिला था, कोई थ्रिफ्ट स्टोर से मिल गया, कोई किसी स्टोर से मिल गया। सो इसलिए उसका आंसर नहीं दे पाती हूँ मैं। मुझे एक ये ड्रेस मिली है जो मुझे काइंड ऑफ प्यारी लगी है क्योंकि फुल स्लीव्स है जैसे मुझे अच्छी लगती हैं। एंड एक्चुअली ये ड्रेस है ना जो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है पर इससे मैं लेगिंग के साथ या फिर डेनिम के साथ पहन सकती हूँ, पर इसकी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है। और मैं ऐसा सा बंदा है जिसे लाइक मुझे नहीं फील होता है कि मैंने बस ब्रांडेड चीजें पहननी चाहिए। अगर आप ऐसे चीजें ढूंढ के स्टाइल कर पाए, क्रिएटिविटी दिखा पाए आपकी, तो क्या बुरा है इसमें या सो बस कपड़ा देखो जरा तो पसंद आ, फिटिंग आप पे सही हो, क्वालिटी अच्छी हो, फैब्रिक अच्छा हो, सीना सूना पकिया हो, फटाफुटा ना हो, सो फिर ले लो, 2-4 बार पाओ, फिर अगर इसको आप खुद दोबारा से डोनेट कर दो या जो भी करो, आपको ऐसे भी नहीं फील होगा कि ओ माय गॉड मैंने $100 में ड्रेस खरीद दी थी अब क्या करूँ। फिर उन्हों अलमारी में सजा के रखते हैं आप सदियों तक। ओके सो ये ड्रेस थी $10 में और मुझे मिली है ये 5 something में। दूसरी जो है वो है वेलवेट। क्यों ली है मैंने वो, उसका साइज बहुत अच्छा है, अच्छी लंबी ड्रेस है और नीचे से थोड़ी सी अम्ब्रेला किस्म की है, गोल है, उसकी स्लीव्स बहुत अच्छी हैं, लाइक फिटेड है एंड देन अम्ब्रेला किस्म की है आगे से और गला भी बहुत अच्छा है। और ये जो वेलवेटी सी ड्रेस है इसे आप वेस्टर्न तरीके से भी पहन सकते हैं एंड इसे सलवार के साथ, प्लाजो के साथ या हैवी दुपट्टे के साथ भी पहन सकते हैं। सो मैं यूजुअली जो ड्रेसेस खरीदती हूँ या कभी भी कोई भी कपड़ा खरीदती हूँ तो मेरी कोशिश होती है प्लान करना कि इसे मैं 4-5 तरीके के साथ स्टाइल कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप 4-5 तरीके से पहन सकते हैं तो जरूर से खरीदें। अगर आपको लगता है कि एक ही तरीका है पहनने का तो फिर मत करें पैसे भी। और ये काली है, इसे हजारों तरीकों से पहना जा सकता है,
सो काली चीज़ बहुत ज़्यादा वर्सटाइल होती है. काले की मैं फ़ैन हूँ तो इसे मैं कैसे छोड़ देती. ओके देन मैंने एक ली है गैप की ड्रेस जो कि वाइट है. इसमें एक्चुअली इसका रियल टैग भी लगा हुआ था. ये बस सिंपल खुली कुर्ता काइंड की ड्रेस है और इधर की ड्रेस मुझे अच्छी लगती है. सो सिर्फ यही चीज़ें ली हैं वहाँ से मैंने. एक मैं बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करके नहीं कर पाती हूँ जब ये दोनों मेरे साथ हो. सो अब ये जो दूसरी जगह पे गई हूँ मैं जहाँ पे फुल स्लीव्स पे 50% ऑफ था वो मैं दिखाती हूँ. सो पहले मैंने ली है ये लिनन की ड्रेस. काइंड ड्रेस है, फुल स्लीव्स है, कॉलर है, पीछे बटन है, रियल टैग के साथ है. ये मुझे मिली है $5 में. 5 से भी कम एक्चुअली, 9 समथिंग है, मुझे 4 समथिंग की मिली है. सो प्रिटी. कैप का टॉप फुल स्लीव्स है, ये फुल स्लीव पे ऑफ था. सो ये बहुत ही प्यारा वाइट है, मुझे वाइट बहुत अच्छा लगता है. वाइट एक्चुअली आप जितना भी खरीद लो आपके लिए कम ही होता है. सो ये मुझे मिला है 4 समथिंग का. अंधेरा हो रहा है तो जल्दी जल्दी से मैं फिनिश कर लेती हूँ. अगली ये ब्यूटीफुल सी फ्लोरल ड्रेस है, ये भी फुल स्लीव्स है टॉप और मुझे मिला है $4 का. सो या ब्यूटीफुल, कलर बहुत अच्छा है, ब्लैक है इसका लाइक बेज. अगला है ये बहुत प्यारा लिनन का टॉप. लिनन मेरा फेवरेट फैब्रिक है और ये है गैप से. और इसका स्टाइल देखिए कितना प्यारा है, गोल गला है, स्लीव्स लंबी है, पूरी लंबी एक्चुअली खुल जाएंगी और लेंथ भी बहुत अच्छी है और ये गर्मियों के लिए बेस्ट है. ये एक्चुअली नए टैग के साथ ही है और ये मुझे मिला है $6 का. सो नेक्स्ट है ये डेनिम की स्कर्ट. कितनी लंबी है दोस्तों, ये मेरे घुटनों से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे तक जाती है और ये मुझे मिली है $11 में. मुझे अच्छी लगी है, इसे ट्राई करके दिखाया जाएगा वंस ये वॉश हो जाए. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ है ये डेनिम की ड्रेस, जिसका गला कितना प्यारा है, पीछे से छोटा है एंड स्लीव्स इतनी है क्योंकि ये गर्मियों के लिए है और ये बहुत ज़्यादा लंबी है, एक घुटनों से काफ़ी नीचे तक है. सो सी ब्यूटीफुल. हॉल के साथ हम डन हैं, अब कोई और काम करते हैं. इनको एक्चुअली वॉश करने के लिए डाल के seem to look away from screens and the feelings just ain't ever tractioning for so long, so long. All right, so कपड़ों को वॉश कर लिया मैंने. व्हाइट को मैं हैंड से वॉश करने वाली हूँ और कलर्ड को यहाँ पे हो चुके हैं, ड्रायर में डालने वाली हूँ अब मैं. सो लेट्स क्विकली डू दैट. और आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा. हम लोग हमारा डिनर स्किप करने वाले हैं, मुझे भूख नहीं है और मेरा नोज़ बुरी तरह कंजस्ट हो चुका है. आई डोंट नो एलर्जीज़ की वजह से या क्यों, क्योंकि आज मैंने सुबह डस्टिंग भी की थी और बाहर से घूम के आए हैं और आई डोंट नो. सो एडिटिंग फिनिश हो चुकी है, वीडियो अपलोड हो रही है, किचन की क्लीनिंग बाकी है, हस्बैंड की हेल्प लूँगी मैं या फिर कल की करेंगे नाइस एंड क्लीन या फिर कल करेंगे. और आई एम डन फॉर द डे. अब मैं जा रही हूँ अपस्टेयर्स सोने के लिए, सुबह तक हो जाएंगे ड्राई, देन हम पहन के देखेंगे कि कैसे लग रहे हैं. अगर अच्छे लगेंगे तो मज़ा आएगा, अदरवाइज़ ऑल्टर करूँगी मैं कुछ कुछ अगर ज़रूरत होगी तो. मैंने इस फैब्रिक को भी धो लिया है, इसे मैच करके देखेंगे अदर फैब्रिक के साथ. तो हैंड वॉश करने के वाले को भी क्विकली कर लेते हैं. मैं ऑलरेडी क्लीन करके गई थी, मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए भिगो के रखते हैं. इनको मैं एयर ड्राई कर लूँगी क्योंकि दूसरी चीज़ें कलर्ड हैं और ये वाइट है, तो मैं नहीं चाहती कि इनको उनके साथ मिक्स किया जाए. वैसे ज़्यादातर मैं वाइट कपड़ों को हाथ से ही धोती हूँ, बहुत ज़्यादा जमा कर लूँ मैं तब मैं मशीन में, अदरवाइज हैंड से ही वॉश कर लेती हूँ और ज़्यादातर एयर ड्राई करती हूँ. गाइस जो हिम्मत एंड डैडी थ्रिफ्ट स्टोर से चीज़ ढूंढ के लेके आए हैं वो काम कर रही है. एक्चुअली वो नई पैकेजिंग में ही थी और ये दोनों जाने लग गए थे फाइट में. बहुत ही हाइड कर रहे हैं आप, निकल ये नहीं चलाक ना मनो, हाइड नहीं कर सकते. मिमी एक तो बजना डैडी को बहुत आता ही होता है. मेरा फोन दानी है और बड़ा चलाक है डैडी, यू गॉन.
आई होप आपने आज का ब्लॉग पसंद किया होगा. अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या नहीं. और वीडियो को लाइक करें एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं. मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो में जल्दी ही. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, confident and strong. You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. Bye.